रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ लौटे छात्रों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से छात्र काफ़ी परेशान हैं। परेशान अभिभावकों ने मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि अब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसी कोई पहल नहीं की गई है जिससे हमारे बच्चों का एडमिशन हो सके, जिसको लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने अभिभावकों और छात्रों से खास बातचीत की है। यूक्रेन रिटर्न मेडिकल छात्र आज राजधानी पहुंचे, अपने मांगों को लेकर क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी, हम छत्तीसगढ़ से 207 स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई अभी अटक चुकी है, और NMC जो है रेगुलेटरी बॉडी, उनका कहना है कि आप वापस जाइए, यूक्रेन जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। पर आप खुद देख रहे होंगे यूक्रेन में जाने लायक सिचुएशन है नहीं। हम लोगों ने गवर्नमेंट से, सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे डिमांड किया कि आप यहाँ हमारी ऑफलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू करवा दीजिए, पर किसी से कोई भी रिस्पांस नहीं है। ऊपर से NMC हम लोगों को अभी बोल रहा है आप लोग ट्रांसफ़र ले लो दूसरी कंट्रीज़ में। तो हम चाह रहे कि इंडिया में ही आप किसी तरह से हमारा ऑफलाइन स्टडी कंटिन्यू करवा दो। स्टडी कंटिन्यू होने के बाद हम एक एग्ज़ाम दे देंगे जिसके थ्रू हम डॉक्टर बनने के लायक हैं कि नहीं, आप डिसाइड कर लेना। छत्तीसगढ़ के 207 बच्चे जो यूक्रेन में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हुए थे, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के चलते इनको रिटर्न वापस छत्तीसगढ़ आना पड़ा। आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई के चलते ये स्टूडेंट की भविष्य आज अंधकार में, इसे परेशान होकर अभिभावक भी आज राजधानी बूढ़ातालाब पहुँचे हुए हैं, और मंत्री और नेताओं के दर दर उनके द्वार पर भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। स्टूडेंट चाह रहे हैं कि उनको भारत में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, और भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इन पर इनका पूरा भरोसा है कि स्टूडेंट लोगों को उनको पढ़ाई जो है मेडिकल कॉलेज में इनकी सहायता करेगी, उनकी होगी। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्र पटेल, MK न्यूज रायपुर।